चकदी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। देश विदेश दी खबरां लैके मैं हां गुरविंदर संधू। मारदे नजर हुण तक दीआं सुरखियां ते नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते ने पंजाब दे उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस विच वड्डा फेरबदल होण दे आसार। भाजपा आगू की गड्डी नूं किसाना पाया घेरा। भाजपा आगू ने किसाना ते गड्डी चढ़ाउण दी कीती नाकाम कोशिश। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दा वड्डा बयान। किसानां नाल मीटिंग लई रखी खेतीबाड़ी मंत्री ने शर्त। कैप्टन नूं फरियादा करन वाले डीएसपी ने तोड़िया दम। सरकारी तंत्र सने सिस्टम नूं डीएसपी ने आखिरी वीडियो बना कीता बेनकाब। पंजाब पुलिस हुई बेनकाब। वर्दी दे फतूर च मीडिया नाल कीती बदसलूकी। हुण खबरां विस्थार नाल। कांग्रेस का घरेलू कलेश नबेड़न लई बनी तीन मैंबरी कमेटी हाईकमान नूं अज रिपोर्ट सौंप रही है। अजिहे च कंसोआ ने कि सूबे च दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते ने ते दो ही सूबा प्रधान लगा। कांग्रेस इस विवाद नूं खत्म करन दी कोशिश करेगी। खबरां मुताबिक सिद्धू नूं डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लंबे समय तो कांग्रेस विचकार चल रहे घरेलू कलेश नूं सुलझाउण लई हाईकमान ने राह लभ ही लिया। हाईकमान वालों बनाई गई तीन मैंबरी कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान नूं सौंपेगी। खबरें हैं कि पंजाब कांग्रेस च वड्डा फेरबदल हो सकता है। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक पंजाब नूं दो डिप्टी सीएम मिल सकते ने। हुण तक पंजाब च कोई भी डिप्टी सीएम नहीं है ते हुण रुसिया नूं मनाउण लई कांग्रेस सूबे विच सिद्धू नूं कोई वड्डी जिम्मेवारी दे सकती है। नाल ही एक दलित महिला चेहरे नूं भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जेकर अजिहा हुंदा है तां पंजाब विच हुण दो डिप्टी सीएम होणगे। खबरां इह वी हन कि दो कार्यकारी प्रधान भी लाए जा सकते ने। सुनील जाखड़ तों इलावा दो कार्यकारी प्रधान लाए जाणगे जिन्हां च हिंदू चेहरा ते दलित चेहरा होवेगा। मीडिया च खबरां हन कि कमेटी ने सुझाव लिया है कि जेकर सूबे च दो उप मुख्यमंत्री ते दो प्रधान लाए जाण घरेलू विवाद ठल्या जा सकता है। तुहानू दस दईए कि सूबे च लगातार सिद्धू ते कैप्टन विचकार तनातनी दा माहौल रहा। सिद्धू ते कैप्टन बेअदबी दे मामले ते एक दूजे ते तिखे तीर चलाउंदे रहे पर हुण इस विवाद नूं रोकण लई कांग्रेस हाईकमान पब्बा भार है ते हो सकदा है जल्दी इह विवाद खत्म हो जावे। बरनाला च साबका मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला दी कोठी मूरी किसानां ने भाजपा आगू घेर लिया। इस दौरान वड्डी गिनती विच पुलिस दी हाजरी विच भाजपा आगू जदों गड्डी लैके भज्जन लगा तां उसदी गड्डी नाल कई किसानां नूं टक्कर मार दित्ती जिस दे रोस वजों किसानां ने भाजपा आगू खिलाफ धरना लगा दित्ता ते जम के पड़ास कढ़ी। बरनाला च माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जदों पंजाब दे साबका मरहूम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला दी कोठी च भाजपा दे सूबा आगू गुरतेज सिंह ढिल्लों पहुंचे जिसकी भिनक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे आगूआं नूं लग गई।
जिस तो बाद मौके ते पहुंच के भाजपा आगुआ दा किसाना वालों घिराओ करने की कोशिश की गई। घटना स्थान से भारी संख्या विच पुलिस फोर्स तैनात की गई सी, जिन्हां वालों भाजपा आगू नूं मौके तो बाहर कढ लिया गया। इना ही नहीं, भाजपा आगू नूं मोटरसाइकिल नाल घेरन की भी कोशिश की गई, पर भाजपा आगू की गड्डी ने किसानों नूं फेट मारदे होए अगे लंघ गई, जिस तों बाद रोस विच आए किसानों वालों मरहूम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला की कोठी अगे मोर्चा लगा के रोस प्रदर्शन शुरू कर दिता गया। किसानों वालों भाजपा आगू ते किसानों नूं टक्कर मारन दे दोष च परचा दर्ज करन अते नुकसाने मोटरसाइकलों नूं ठीक करन दी मंग कीती जा रही है। किसानों ने मोटरसाइकिल नूं टक्कर मारन दी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस नूं दिखाई है। तुहानूं पक्के सूत्रां अनुसार गुरतेज जिहड़ा ढिल्लों है वह सूबे दा आगू है। सानूं पता लग्गिया वी बरनाले दी कोठी विच इत्थे मीटिंग करन वास्ते आया है। असी तुरंत ही आपदे आगुआ नाल सुनेहा राबता किया तो साढ़े आगुआ ने सानू ये कहा कि उन्हें घेरिया जाए। असी उन्हें आ के इतने जो अभी 8:30 बजे आए असी घेर लिया, घेर के जी असी परले एक पासे मीटिंग कर लग गए, सानू पत्रकारां ने घेर लिया तो भज गया। एक पासे दा बरनाला परिवार ये कहिंदा भी साडा पिंड धौला है, असी किसानां नाल खड़े हाँ। दूसरे पासे बीजेपी के आगुआ नाल मीटिंगा करके साडे जिहड़े किसानी घोल है जिहड़े साडे किसान बैठे है उन्होंने मिर्चा भुक रहे ने गे। ये 2022 दे विच चोणा आउणी है उहदे वास्ते राबता कर रहे ने गे। फिर सरजीत कौर बरनाला ये कह रही है कि मेरा भतीजा है, जे उहदा भतीजा जी उहनूं मिलण आया सीगा आ 500 बंदा फोर्स का क्यों बन्निया सीगा, जे उह भतीजा उहदा मिलण आया सीगा फिर उह चोर मोरी भी जी भज्जिया क्यों हैगा। जे इन्हें इन्नी हतैसी है ये जाके साढ़े किसानों के मोर्चे चल रहे हैं, सरजीत कौर बरनाला गगनजीत बरनाला ये दोनों माँ पुत साडे मोर्चे जाके उन्हें हिमायत कर, कदे एक भी बयान नहीं आया। साडे जिहड़े किसानी घोल दे जिहड़े शहीद परिवार होए ने उन्हां वास्ते एक भी बयान नहीं आया भी असीं उन्हां नाल खड़ेंगे, किसानी घोल ते एक भी बयान नहीं आया। ये बीजेपी के हतैसी बनते हैं। ਕਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਨੋਵਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ 4 ਆਗੂ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ PV11CU4452। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੱਢਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੌਜ ਦੀ ਭਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। इस मौके गलबात करदिया किसान आगू ने कहा कि खेती कानूनों के संघर्ष करके किसान जथेबंदियों वालों भाजपा लीडर का विरोध किया जा रहा है। किसान आगुओं ने कहा कि एक पासे अकाली दल कह रहा है कि भाजपा नालों गठजोड़ तोड़ लिया गया है, उत्थे दूजे पासे भाजपा लीडर नाल डिनर सांझे करते फिरते ने ते मीटिंगां कीतियां जा रही ने। पटियाले तो एक बीजेपी का कोई लीडर है ढिल्लों जी, तो वह जिमें यह कहते ने भी अकाली दल ने कहता भी असी तोड़ विछोड़ा करता, पर उस दे पार्टी के लीडर इन्हों जिमें गगनजीत बरनाला जिहड़ा एक दसते ने भी बीजेपी अपना श्रोमणी अकाली दल का सूबे का मैंबर है, तो उस बंदे दे घरे इह बंदे दा डिनर भी होया रात कहिंदे उस बाद च पता लग्या, सानू तां सुबह पता लग्या सी लंच डिनर ब्रेकफास्ट तक उन्होंने सर्व किए जाते हैं, तो उहदे खिलाफ असी जदों सानू पता लग्या असी 5 क जणां ने मोर्चा लाया, पर सियासत तहत पुलिस ने उन्हूं कढ़ता ते असी मंगरा भी कीता भजाया भी आ, उह बहुत असी दूर तक उहदे नाल मोटरसाइकिल ते गए आ, मोटरसाइकिल दा 2 वारी 3 वारी साढ़े मोटरसाइकिल उहने पिछों मारिया, साडा मोटरसाइकिल भी भन्नता, फिर एक राहगीर दे उत्तों मोटरसाइकिल लंघा के उहदा मोटरसाइकिल भन्नता, असी उहनूं सांभण दे चक्कर दे विच उह राहगीर नूं खड़ा करन दे चक्कर दे विच इन्ने नूं उह ढिल्लों साडे हत्थों निकल गया। तो असी ये बीजेपी नूं जमा सीधा ऐलान आ साडा भी जिन्ना चिर साडा दिल्ली वाला मसला साडे कानूनां दा मसला ते लोकां दी सरकार नहीं जिन्ना चिर बणदी
बीजेपी के आगू ने चाहे बीजेपी के वर्कर ने चाहे कोई सीनियर लीडर ने असी पंजाब दे विच बढ़ नहीं देवांगे। ये खुली चेतावनी आ ता कौम का पहला कौम का गदार रहा जी सुरजीत सिंह बरनाला। पहला उन्हें गदारी आपके पिंड नाल कीती, पिंड का नाँ नहीं रखा बरनाला अपनाया आपदे आप नूं। उदों मुड़ के बरनाला शहर नाल गदारी कीती। फिर 1978 तो लैके 1992 तक अकालियां दे नाल रल के कौम नाल गदारी कीती ते आपदा जिहड़ा आपां कहदे परिवार का पिछोकड़ कायम रखण वास्ते हुण गगनजीत बरनाला अज दे टाइम किरती लोकां दा ते पंजाब नाल गदारी करके बीजेपी नाल जिहड़ी आपदी पहला तो रहा भी सिमरजीत सिंह बरनाला सी जिहड़ा ना सुरजीत सिंह बरनाला सी जिहड़ा इहनां दा प्यो सी ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਢਗੰਢ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ ਸਮਝੋ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਭੰਨਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰਾਦਨ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਦਾ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। मुझे लगता है कोई भी अस्थिरता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से काम कर रही है। कोरोना वायरस का समस्या सामने है उसको ठीक से हैंडल कर रही है। बाकी जितनी अटकलें हैं ये आप सब लोगों के बुद्धि बल का ही परिणाम है तो मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं और ना ही होने की अभी कोई सामने ऐसी संभावना दिखाई देती है। एमपी कांग्रेस का जो ट्विटर का हैंडल है उसमें बकायदा लिखा जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन, कुछ नाम भी दिए जा रहे हैं जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनके नाम। आपका नाम है कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम है। देखिए दरअसल क्या है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी का नाम तय किया तो वो आज मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकती। नहीं तो नाम द्वारा तय हो सकता है कुछ ऐसा, तो किसी के ट्विटर हैंडल पर कुछ भी लिखे इसकी स्वतंत्रता सबको है। तो कुछ चल रहा है कि मुझे नहीं, मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं। अच्छा लगातार पेट्रोल डीजल की वृद्धि हो रही है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और जो वामपंथी संगठन है वो लगातार कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं।
अभी तक शांति नहीं हुई है। कृषि बिल किसान के हित में है, हमने किसानों से बातचीत की है, भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान होगा। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अभी जो महंगाई की स्थिति है, पेट्रोल डीजल अपनी जगह है लेकिन खाद्य तेल की स्थिति हो गई है, 200 तक पहुंच गया है, तो इससे लगता नहीं है कि इससे सभी तेल नहीं पहुंचे हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं, और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया, स्टॉक ओपन हुआ, दाल के भाव नीचे आ गए। लेकिन अभी आपने जो सुविधाएं दी हैं कोविड काल में भी दी हैं, उसके बाद भी सोपोर, ग्वालियर और तमाम जो जिलों के लिए आसपास सुविधाएं दी हैं, तो और कितना सुविधाएं उनको मिलने वाली हैं, तीसरी लहर को लेकर क्या करने वाले हैं, आपकी तरफ से क्या होने वाला है? नहीं, देखिए दरअसल हमारी तरफ से कुछ नहीं होता, सरकार कुल मिला के कोशिश ये होती है कि अपने अंचल में जो लोग राजनीतिक रसूद रखते हैं उनका प्रतिष्ठा, उनका संबंध क्षेत्र के और जनता के काम आवे। जहाँ जहाँ सरकार ने प्रबंध किए थे वहाँ सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने प्रबंध किए। मुझे भी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि कुछ गैप्स हैं उनको भरना है, और इसलिए कुछ व्यवस्थाएं अगर अन्य स्रोत से हो सकती हैं तो ज़रूर उस मामले में बात करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन प्लांट, डी टाइप गैस के सिलेंडर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन, इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए हैं, वो ग्वालियर आ रहे हैं और क्षेत्र के सभी 8 जिलों को कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो रहा है, कुछ ऐसा पता लगा है कि सिंधिया जी भी थोड़ा सा? मंत्रिमंडल का विस्तार केंद्र में प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, राज्य में मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, वो जब तय करेंगे तो होगा। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर का यह बयान कोई नवा नहीं, घड़िया घड़ाया उही बयान है जो हुण तक वो पहला दिंदे आए ने। एक पासे किसानों ने केंद्र सरकार नूं चिट्ठी लिख खेती कानूनों ते मीटिंग करन लई कहा सी, तां जिसका हुण तक कोई जवाब किसान जथेबंदियां नूं नहीं मिलिया, तां दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री का इस तरह का एक बार फिर बयान होना इस गल की गवाही भरता है कि केंद्र सरकार खेती कानूनों ते किसानों नाल चर्चा करना नहीं चाहती। तुहानू दस दई है कि पिछले लंबे समय तो किसान खेती कानूनों विरुद्ध दिल्ली दियां वख-वख सरहदां ते प्रदर्शन कर रहे ने। हुण तक कई दौर की सरकार नाल गलबात भी हुई पर सरकार ते किसानां विचाले कोई भी सहमति नहीं बन सकी। किसान लगातार वड्डी गिनती विच दिल्ली वल वहीरा घट रहे ने, तां उधर केंद्र सरकार दे कन्न ते जूं तक नहीं सरक रही। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मूहरे हाथ जोड़ के फरियादा करन वाले डीएसपी हरजिंदर सिंह ने दम तोड़ दिता ते सरकार अपनियां फाइलां विच उलझी रही। डीएसपी वल्लों मौत तो पहला रिकॉर्ड किया गया वीडियो हुण सोशल मीडिया ते जम के वायरल हो रहा है ते सरकार दी खूब किरकिरी हो रही है। हाथ जोड़ के अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। वैसे भी मेरे मरण तो बाद सरकार कुछ फंड दे देगी, जो हम फंड सैक्शन दिते जाते हैं जो मेरे बच्चों को थोड़ा तो बच जाएंगे। सोशल मीडिया राही महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फरियादा करदा ए डीएसपी हरजिंदर सिंह अपना दम तोड़ गया ते सरकार सरकारी फाइलां विच उलझी रही। डीएसपी मौत तो पहला सिस्टम ते सरकारां दी नालायकी तो पर्दा चुक गया। कोरोना महामारी तो पीड़ित डीएसपी हरजिंदर सिंह फेफड़े दी बीमारी नाल जूझ रहा सी। हस्पताल च बैड ते पए डीएसपी ने दोवें हाथ जोड़
सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फरियाद कीती कि उसके परिवार नूं मौत तो बाद मुआवजा देने की बजाय सरकार उस नूं बचा लवे ता जो उसके बच्चे अनाथ ना हो सकन। पहला देखो डीएसपी का मौत तो पहला का वह वीडियो जो हुण सोशल मीडिया से बड़ी तेजी नाल वायरल हो रहा है। सीएम साहब सिस्टम महाराजा नूं महाराजा के घर किसी चीज की जो कमी होंगी है जिन्होंने जो चंद दे देना मैं तो हाथ जोड़ के अपनी जिंदगी की भी बना करा था। महाराजा साहब मेरे को छेती करके और फंड सेंशन कर दिए जाने ताकि मैं अपना इलाज करा सकता। मेहरबानी करो महाराज साहब मेहरबानी करो। वैसे भी मेरे मरण तो बाद सरकार कुछ फंड देगी कि हम उन्होंने फंड सेंशन दिए जाते हैं तो मेरे बच्चे अनाथ होने तो बच जाएंगे। मेहरबानी करो सीएम साहब महाराज साहब कृपा करो जो हम फंड सेंशन दिए जाते हैं मैं बच सकता मेरे बच्चे अनाथ होने तो बच सकते हैं। सरकार ने बाद ही पैसा देना ही है फंड दिए जा मेरी जिंदगी बच सकती है। डीएसपी दे इस वीडियो तो बाद डीएसपी दी मां ने भी सरकारी दरबारे चक्कर कट्टे पर सरकारी फाइलां दे जंजाल च बेबस मां दी एक ना चली। मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक भी पहुंचा पर इस सब दे बावजूद बहुत देर हो चुकी सी ते डीएसपी ने दम तोड़ दिता। मैं जी लखवीर सिंह बद्दवाल सतगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल तो पीआरओ वो जी डी एस पी हरजिंदर सिंह जी जो कि जेल के तैनात सन तो तकरीबन 6 अप्रैल तो इस हॉस्पिटल साढ़े एस पी एस हॉस्पिटल एडमिट सी जे कि जो आए सी उन्होंने कोरोना कोविड की शिकायत थी और उन्होंने लंग काफ़ी खराब हो चुके सी ते थोड़े कुछ दिनों बाद उन्होंने कोविड रिपोर्ट तो नैगेटिव आ गई सी पर वो काफ़ी उस जो उन्होंने लंग से उस कोई सुधार नहीं हो रहा है तो काफ़ी देर तो यह वेंटीलेटर से जां होर मास्क ते चल रहे सी ते कुछ पिछे हुई भी सी भी सरकार वालों शायद इन्हों बाहर लंग ट्रांसफर ले भेजा जाऊगा पर इन दी ओह चल रही सी सक्सैस नहीं हुई कोई उन्होंने जो भी डॉक्टर दा पैनल भी बैठा सी की बने डॉक्टर दा पैनल बैठे सी भाजी सानू पता ही आ चाहे सी एम साहब वालों तो अप्रूवल दी गई सी पर सरकारी काम काज नू टाइम तो लगता ही है जी वह क्योंकि कई बार साढ़े को इतने उन्होंने टीम काफ़ी आदियाँ रही असी जो उन्होंने सहयोग मंगया साढ़े तो ही सहयोग देंदे भी रहे सारिया रिपोर्टा उन्होंने समरी वगैरह भेजते रहे लेकिन मौके पर उन्होंने जाके जो भी सी उन्होंने जो मंगया असी दिता पर वो होर अगे तो अगे डिमांड करते रहे तो हूँ अच्छ उन्होंने 12:37 डेथ हो गई। हाँ जी सर अज 12:34 से उन्होंने डेथ हो चुकी है। बहुत वड्डा सवाल है साडे सिस्टम ते सरकारां नूं जेकर डीएसपी रैंक दा मुलाजम इस कदर फरियादा करे ते महकमे सने सरकारां नूं किसू पै जाण तां गल हजम नहीं हुंदी। डीएसपी रैंक दे अधिकारी नाल जेकर अजिहा हुंदा है तां फिर आम इंसान नाल की कुछ हुंदा होवेगा अंदाजा लगाया जा सकदा है। सिर्फ एक गुट वड्डे जाण ते पूरे महकमे सने सरकारां च हड़कंप मच गया सी ता ए भी उसे ही पंजाब पुलिस दा मुलाजम सी। हुण मैं हां हरजीत सिंह दी जगह क्यों नहीं सरकार मैं हां हरजिंदर सिंह लिख लेंदी। बहुत वड्डा तब्बा है सरकारी तंत्र ते बहुत वड्डे सवाल ने सिस्टम दी कारगुजारी ते एक डीएसपी फरियादा करदा करदा दम तोड़ गया। तुहानू दस दईए कि 6 अप्रैल नूं डीएसपी सिक्योरिटी हरजिंदर सिंह नूं कोरोना दे चलदे एसपीएस हस्पताल दाखल करवाया गया सी जिथे डॉक्टरां ने उसदे फेफड़े शिकायत दसी जिस लई 80 लाख दे करीब खर्चा आउणा सी
पर अफसोस सरकारां दी माड़ी कारगुजारी ते कोरोना वॉरियर्स दा अहुदा प्राप्त डीएसपी फरियादां करदा करदा दम तोड़ गया। हुण बहुत समाज सेवी संस्थावां अगे आ जाणगियां, बच्चियां दा खर्चा भी चुक लैणगियां, कई एनजीओ आ जाणगे ते सरकारां भी कंपनसेशन लई तैयार हो जाणगियां, पर डीएसपी हरजिंदर सिंह साडे विचकार नहीं रहा। बच्चे अनाथ हो गए, जो खदशा डीएसपी ने जताया सी उसते सरकार खरी उतरी। आखिर विच खबर तरन तारण तो है, जिथे एक रुख वड्डन दे विवाद नू लै के एक धिर ने दूजी धिर ते जम के गोलियां वराईयां, जिस तों बाद पीड़ित पक्ष नू ही पुलिस ने हथ कड़ियां विच जकड़ हस्पताल दे बैड ते पा दिता। इस मौके खाकी दा फितूर इस कदर पुलिस ते सवार होया कि मीडिया नाल भी पुलिस वाले बसलूकी करदे होए नजर आए। साडे थां इक किकर जी ही ਅਤੇ ਉਹ ਲੜੀ ਚੰਗੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਾਪ ਗਏ ਵੱਢਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, पर मीडिया ते उसका पूरा जोर चलता है। ताजा मामला तरन तारण की तहसील पट्टी अधीन पैंदे करियाला दा है, जिथे खाखी नू उस समय गुस्सा आ गया जदों मीडिया ने दो तिरां दे झगड़े बाबत पुलिस का पक्ष जानना चाहिया। दरअसल हलका खेम करन दे पिंड माणेके च रुख वड्डन नू लै के मामला उस समय तनावपूर्ण हो गया जदों एक धिर ने दूजे धिर ते ताबा तोड़ गोलियां दा मीह वराउणा शुरू कर दिता। विच सड़क दे पेड़ लगा होण दे चलदे आवाजाई प्रभावित हुंदी सी, सो एक धिर ने रुख वड्ड दिता जिस दे विरोध विच दूजी धिर ने गोलियां इट्टां ते रोड़े वराउणे शुरू कर दिते, जिस नाल दो व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गए जिन्हां नूं हस्पताल विच इलाज लई भर्ती करवाया गया। हस्पताल दे बैड ते जेरे इलाज भगवंत सिंह नूं पुलिस ने इलाज दौरान हथकड़ी लगा के रख्या। पहला सुनो की कुछ कहा भगवंत सिंह ने। मेरा नाम जी भगवंत सिंह, ते इतना बाहर साढ़े थां इक किकर जी ही ते ओह बड़ी चंजी पाउंदी सी ते असीं ओह छाप गाईआं वढ़न गए हां ते इसे गल्लों गुआंढी जणा तां ठां हो गए हां। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਟੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਭਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇੜ ਨੇ ਕੋਈ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਨਾ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ, ਹਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਘਰਿਆਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕ ਆਈਡੀ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
मीडिया नाल इस तरह का वतीरा अपने आप च पुलिस की कारगुजारी से एक वड्डा सवाल है कि पुलिस अपने आप नूं कानून तो उत्ते समझ बैठी है कि पुलिस की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। पीड़ित धिर नूं हथकड़ी लगाउण दा की मतलब है? ये सारे सवालों के जवाब पुलिस कोल नहीं है। तो मीडिया ने इस संबंधी थाना सदर पट्टी के SHO हरिंदर सिंह नाल गलबात की तो उन्होंने घटना बारे मीडिया नाल जानकारी कुछ इस तरह साझी की। देखो पिंड माने के गोली चलन की घटना सामने आ रही है, ये मामला की पुलिस वालों कार्रवाई की जा रही है? जिहड़े मामला है कुछ गली विच लगे दरख्त दे करके जिहड़ा दोनों तरह के विचों इन्हां दे रिश्तेदार जां कोई भी सज्जन आए सीगे उत्थे इन्हां दी तकरार हुई है, जिथे भी मेरे हुण तक की पड़ताल तो साढ़े तो भी दोनों पासे फायर होए है। दो एक बंदा इंजर जिहड़ा अमृतसर दाखिल है, वह बयान लिख के जिहड़ा अगली कार्रवाई जिहड़ी है की जाऊगी। ਇੱਕ ਸਰ ਘਰੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਡ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲਾਈ ਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਆਏ ਆ। 3? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਧਿਰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਪਾਸੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।